हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने वाले जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड मैं चैलेंज करता हूँ गाइस कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन इतने ट्रिक के साथ एंड इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा एंड कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन पर इतनी ज़्यादा मेहनत कोई भी नहीं करता गाइस, बट आपके क्लरिकल के पेपर में आपको सिंप्लीफिकेशन आपके 3 मिनट में आपको 15 मार्क्स सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, आपको 3 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। एंड वही गाइस पीओ के पेपर में आपको 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पे बहुत ज़्यादा वेटेज है गाइस, तो आपको एक फास्टेस्ट वे में सॉल्व करना होगा, तो एक फास्टेस्ट ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्लास नंबर 28 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत सारे फ्री के क्वालिटी के क्लासेस अवेलेबल है, तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। तो चलिए गाइस आज के वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा प्राउड के साथ कि यहाँ पे 1000 में से हमने यहाँ पे अभी तक 500 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप सभी का प्यार एंड सपोर्ट मुझे मिला, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 289 है, तो किसका रूट है? यहाँ पे 17 का रूट है। इंटू के साइन में क्या है? अभी किसका स्क्वेयर रूट है? यहाँ पे 36 का स्क्वेयर रूट है। इंटू के साइन में क्या है? अब यहाँ पे किसका स्क्वेयर रूट है? ये 12 का स्क्वेयर रूट है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे? एक्स इंटू, अब यहाँ पे क्यूब रूट में 216 है, तो किसका क्यूब रूट है? यहाँ पे 6 का क्यूब रूट है। 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2, एंड यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 34 मिलेगा। एंड यहाँ पे 34 इंटू 36 क्या आता है? दोनों पास नंबर के मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में नंबर कौन सा आता है? यहाँ पे 35 आता है, तो 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर कैसे करते हैं? कोई भी नंबर के पीछे अगर यहाँ पे 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? यहाँ पे ऑलवेज आपको 25 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 25 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आता है? 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 आता है। एंड यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा 5 छोड़ के, यहाँ पे क्या है? 3 है। एंड 3 के बाद में नंबर सिस्टम में कौन सा नंबर आता है? यहाँ पे 4 आता है। एंड यहाँ पे 3 × 4 क्या आता है? यहाँ पे 12 आता है। तो यहाँ पे 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1225 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 36 एंड 34 से 35 कितना ज़्यादा कितना कम है? यहाँ पे एक ज़्यादा एक कम है, तो ऑलवेज आपको यहाँ पे माइनस का साइन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक ज़्यादा एक कम है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है, इसका ही मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1224 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पे क्या है? एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1224 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 38 एंड यहाँ पे 91 है, प्लस के साइन में क्या है? यहाँ पे 16 × 3 क्या आता है? 16 × 2 = 32, 16 × 3 = 84 एंड पीछे 10 लगेगा। एंड यहाँ पे 16 × 1 का क्या आता है? यहाँ पे 16 आता है। माइनस के साइन में क्या है? यहाँ पे 1 से इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अब यहाँ पे इन दोनों के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो यहाँ पे 17 + 12 क्या आता है? यहाँ पे 29 आता है। 29 - 19 क्या आता है? यहाँ पे 10 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एंड पीछे 10 लगेगा। अब यहाँ पे क्या है? 8 + 4 क्या आता है? 12 - 1 क्या आता है? 12 - 1 यहाँ पे 11 आता है। तो यहाँ पे 11 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 111 मिलेगा। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? राइट हैंड साइड में 111 लिख दूंगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? ये 16 का 6 मैं इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 38 एंड यहाँ पे 97 मिलेगा। एंड यहाँ पे 16 का 10 मैं इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 490 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब गाइस यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 0 + 7 क्या आता है? 7 आता है। 9 + 9 क्या आता है? 9 × 2 = 18 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 8 क्या आता है? यहाँ पे 5 + 8 यहाँ पे 13 आता है। 13 का 3 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 4, 3 and 8, 7 आंसर मिल जाएगा। माइनस क्या है? यहाँ पे 1 से इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइज? इज इक्वल टू यहाँ पे 111 मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा? 111 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा एंड -X को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे सिंपली x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पे 4, 3, 8, 7 माइनस क्या मिलेगा? यहाँ पे 111 मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा? अब यहाँ पे 7 - 1 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? 7 - 1 चला जाएगा 6 मिलेगा। 8 - 1 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 7 मिलेगा। 3 - 1 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? 3 - 1 यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया? यहाँ पे 4276 आंसर मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंपली आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 है। 8 - 9 क्या आता है? यहाँ पे -1 आता है। -1 and +1 क्या आ जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है? +2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड यहाँ पे इसके पीछे कितने 0 लगेंगे? यहाँ पे 3 0 लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 9 - 3 क्या आता है? यहाँ पे 6 आता है। 6 + 7 क्या आता है? यहाँ पे 13
आता है, 13-4 क्या आता है, यहाँ पे 9 आता है, एंड 9+8 क्या आता है, यहाँ पे 17 आता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 17, एंड यहाँ पे इसके पीछे कितने जीरो लगेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 13 है, 13-27 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14+36 क्या आ जाएगा, 14+36 यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 50-93 क्या आ जाएगा, 50-93 यहाँ पे माइनस का 43 आ जाएगा, माइनस का 43, एंड यहाँ पे प्लस का 45, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 37 एंड यहाँ पे 02 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। गाइज मैं भी ये क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मेरा आंसर गलत आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दोनों पास के नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो इनके एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, 25 आता है। तो 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 625 आ जाएगा। अब ये जो 25 है, ये यहाँ पे 23 एंड यहाँ पे 27 से कितना ज़्यादा कितना कम है, यहाँ पे 2 ज़्यादा एंड यहाँ पे 2 कम है, ठीक है। 2 ज़्यादा 2 कम है, तो ऑलवेज आपको यहाँ पे माइनस का साइन देना पड़ेगा। एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे 97 है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 6x मिलेगा। अब यहाँ पे जो है, ये माइनस का 4 इसमें से सब्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 93 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 32 प्लस यहाँ पे 6 क्या आता है, यहाँ पे 38 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे पीछे 20 लगेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे 90 क्या आता है, यहाँ पे 110 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 110 आ जाएगा। यहाँ पे 5+3 क्या आता है, 5+3 यहाँ पे 8 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 81 यहाँ पे 93 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 6x मिलेगा। 6 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 1 6, 6 6 जा क्या आता है, 36 आता है। यहाँ पे 3 बचा एंड यहाँ पे 1 बचा। 6 5 जा क्या आता है, 30 आता है। यहाँ पे 1 बचा एंड यहाँ पे 8 लूंगा, ठीक है। 6 3 जा क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 653 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 6 जा एंड यहाँ पे 4 4 जा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 15 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 15 2 जा, ठीक है। 3 बचा 7 बचा, 15 2 जा, यहाँ पे 7 बचा 5 बचा, 15 5 जा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ये जो माइनस का 19 है, इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 19 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइज, अब यहाँ पे 6+22 क्या आता है, 6+22 28 आता है, 28+1 क्या आता है, यहाँ पे 29 आता है एंड पीछे 10 लगेगा। 4+5 क्या आता है, 9 9+9 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा एंड यहाँ पे 8 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 15% है, ठीक है। तो 15% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 5% मतलब 1/20 आता है। 15% मतलब क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अगर मैं 3 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15% मतलब यहाँ पे 3/20 आ जाएगा। 20 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कट एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 2 34, 18 3 54, तो यहाँ पे 18 3 जा क्या मिलेगा, यहाँ पे 53 मिलेगा, ठीक है। तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 54 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 38 का स्क्वायर क्या आता है, ये 50 से कितना कम है, 50 से तो -12 कम है, ठीक है। एंड -12 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 144 आता है। तो 144 का 44 आपको यहाँ पे लिखना है एंड ये जो +1 है ये आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एंड ऑलवेज आपको यहाँ पे जो भी नंबर होगा ये ऑलवेज आपको 25 में से सब्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 25-12 क्या आ जाएगा, 25-12 यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13+1 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 38 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 and 444 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1 and 444 लिख दूंगा, तो यहाँ पे 14 एंड यहाँ पे 44 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्लस का 763 है, इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 763 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का यहाँ पे क्या है, 63 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 54 है। तो इन दोनों को सब्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 और 3 क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का यहाँ पे 709 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 14 माइनस यहाँ पे 7 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 14-7 यहाँ पे 7 मिलेगा एंड यहाँ पे 44-9 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 735 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 33 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 33 1 जा क्या आता है, 33 आता है। क्या बचा, यहाँ पे 6 बचा एंड यहाँ पे 9 बचा। 33 2 जा क्या आता है, यहाँ पे 66 आता है। यहाँ पे 3 बचा एंड यहाँ पे 3 बचा। 33 1
एक्सपेंसा क्या आता है, यहाँ पे 33 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 1 to 1 आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 1 to 1 आंसर मिल गया। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इन दोनों का सबट्रैक्शन कर देते तो यहाँ पे 23 - 19 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 17 में से यहाँ पे 74 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 में से 1 कम कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, एंड 1 में इसको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11 में से मुझे यहाँ पे 7 निकालना है, तो 11 - 7 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 4 आता है। एंड यहाँ पे 7 - 4 क्या आता है गाइस, 7 - 4 यहाँ पे 3 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते तो यहाँ पे 34 + 12 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 46 आ जाएगा। यहाँ पे 1 + 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो आपको पता है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट गैप देके यहाँ पे एंड का एलिमेंट एंड यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे 3 + 2 क्या आता है, यहाँ पे 5 आता है, जो कि आपको बीच में लिखना है। माइनस क्या है, यहाँ पे 28 है, ठीक है। तो यहाँ पे 53 - 28 क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 22 एंड 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 225 मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 75% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 / 4 आ जाएगा। 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 - 1 = 4, 4 - 1 = 4, ठीक है। 2 - 8 = 4, 7। अब यहाँ पे 117 का आपको 3 टाइम्स करना है, तो यहाँ पे 11 का 3 टाइम्स क्या आता है गाइस, 11 का 3 टाइम्स यहाँ पे 33 आता है एंड पीछे 10। यहाँ पे 7 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 351 यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस का 351 है, इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 351 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 225 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 351 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 22 प्लस यहाँ पे 35 क्या आता है, 22 + 35 यहाँ पे 57 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 + 1 क्या आता है, 5 + 1 यहाँ पे 6 आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 576 मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 24 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 28 का स्क्वायर रूट दिख रहा है, ठीक है। इनटू के साइन में क्या है, अब ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 15 का स्क्वायर रूट दिख रहा है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 16.66% मतलब 1/6, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 8 जा एंड पीछे 10, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 यहाँ पे x मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 15 को मैं 30/2 लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 मिलेगा। एंड यहाँ पे 14 3 जा क्या आता है, 14 3 42 एंड पीछे 10, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 80 है, 80 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 500 मिलेगा। 500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 यहाँ पे x हो जाएगा। 25 से डिवाइड कर दूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 20 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 2 जा एंड यहाँ पे 13 1 जा, 21 4 जा क्या आता है, यहाँ पे 84 आता है, ठीक है। 84 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 49 निकालना क्या, या फिर 50 निकाल के एक ऐड कर देना क्या, तो 50 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 50 निकालूंगा तो यहाँ पे 34 मिलेगा एंड एक ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स माइनस, अब यहाँ पे परसेंट साइन से यहाँ के 20 कट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 9 * 4 यहाँ पे 36 एंड पीछे 10, 9 * 8 क्या आता है, यहाँ पे 72 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा एंड यहाँ पे 4 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 432, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 432 प्लस यहाँ पे 35 क्या हो जाएगा, 432 प्लस यहाँ पे 35 4 यहाँ पे 67 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 18 * 19 है, ठीक है। यहाँ पे 18 का क्यूब है एंड यहाँ पे क्या है, 702 है। तो मैं क्या करूँगा गाइस, यहाँ पे इन दोनों जगह पे से 18 तो कॉमन निकलते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से 18 कॉमन निकलता है क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 18 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 18 * 54 = 18 + 72, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 * 54 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 16 एंड 2, ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 18 9 जा क्या आता है, यहाँ पे
पे 162 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 × 39 लिख सकता हूँ मैं 702 को, तो यहाँ से 118 चला जाएगा, यहाँ से 118 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 18 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ से 118 चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 19x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 18 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 324 आता है, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 39 है। अब गाइस यहाँ पे 19x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 माइनस 3 क्या आता है, यहाँ पे 29 आता है। एंड यहाँ पे 29 में से एक कम कर देना पड़ेगा, यहाँ पे 28 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 देना पड़ेगा एंड यहाँ पे 14 माइनस यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 5। 19 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 19 × 1 = 19 मिलेगा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 9 बचा, 5 बचा, 19 × 5 क्या आता है, 95 आता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 15 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 11.11% मतलब 1/9 इंटू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 14.28% मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/7 आ जाएगा इंटू के साइन में। अब यहाँ पे 16.66% मतलब 1/6 आ जाएगा इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 10962 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 493 अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 × 9 = 19 बचा, ठीक है। 9 × 2 = 18 = 16 बचा, 9 × 1 = 9 एंड 9 × 8 = 72। 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 × 1 = 7 = 5 बचा, 7 × 7 = 28 बचा, 7 × 4 =, ठीक है। 6 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 × 2 = यहाँ पे 6 × 9 = ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 493 अपॉन यहाँ पे x मिलेगा। 29 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 29 × 1 = 29 यहाँ पे 20 बचा एंड यहाँ पे पीछे 3 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 29 का कितना टाइम्स आता है, तो यहाँ पे 9 × 7 = यहाँ पे क्या आता है, 9 × 7 = पीछे 3 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 17 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट से यहाँ पे खेल सकते हैं। तो यहाँ पे 9 × 7 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 17 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 11 raised to the power 0 मतलब क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, 11 raised to the power 1 मतलब यहाँ पे 11 आता है। कोई भी नंबर के रेस्ट टू द पावर में 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1 आती है। एंड कोई भी नंबर के रेस्ट टू द पावर में 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वही नंबर आता है। अब यहाँ पे क्या है, 11 का स्क्वायर मतलब क्या आता है, यहाँ पे 121 आता है। 11 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 1331 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 1 + 11 क्या आता है, 12 आता है, ठीक है। 12 + यहाँ पे 121 क्या आ जाएगा, 12 + 121 यहाँ पे 133 आ जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 13 एंड यहाँ पे 31 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 3 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है। एंड यहाँ पे 133 + यहाँ पे 13 क्या आता है, यहाँ पे 146 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 146 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 यहाँ पे x मिलेगा। 24 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 24 × 45 = 24 × 44, तो यहाँ पे 2 बचा यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। एंड यहाँ पे 24 × 1 = क्या आएगा, 24 आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 61 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 × 2 = एंड यहाँ पे 11 बचा एंड यहाँ पे 5 बचा। 13 से तो इसे नहीं डिवाइड हो रहा है, तो 13 से इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 × 2 = 26, 2 बचा 6 बचा, 13 × 2 = 26, ठीक है। अब यहाँ पे 22 है एंड यहाँ पे क्या है, 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 से डिवाइड करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 15 × 2 = 30, 7 बचा 5 बचा, 15 × 5 = यहाँ पे 75, ठीक है। अब यहाँ पे 25 है ऊपर एंड यहाँ पे क्या है, 22 है। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करके देखते हैं, 11 × 2 = एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 × 1 = 11 एंड 11 × 9 = 99 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से 19 एंड यहाँ से 19 कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या मिला मुझे, ऊपर यहाँ पे 25 इंटू यहाँ पे 2 मिला। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 50 मिल गई, 25 × 2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करने के टिक, तो आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट लास्ट का एलिमेंट एंड राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। तो 5 + 4 क्या आता है, 9 आता है, जो कि आपको यहाँ पे बीच में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, लास्ट का एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 9 है, गैप देके 9 लिखना है, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए जाना है। तो यहाँ पे 9 + 1 क्या आता है, 10 का 0
आता है एंड यहाँ पे वन रिमाइंडर, ठीक है। एंड यहाँ पे वन प्लस वन क्या आता है, टू आता है। टू प्लस वन क्या आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ट्वेल्व का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे सेवनटीन एंड यहाँ पे ट्वेंटी एट आता है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेवनटीन में से यहाँ पे थर्टीन चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे चार सौ मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्वेंटी एट में से यहाँ पे जीरो नाइन जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे टेन निकाल के एक जोड़ दो, यहाँ पे नाइनटीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 419 मिलेगा, माइनस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा था, यहाँ पे 1728 था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 495 है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस का 419 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, फोर में से फोर चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा। अब यहाँ पे 95 में से 19 चला जाएगा, मुझे क्या मिलेगा, 19 फोर जा क्या आता है, यहाँ पे 76 आता है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 76 मिल गई, क्योंकि मुझे यहाँ पे पता था कि यहाँ पे 19 इंटू यहाँ पे मैं 5 लिख सकता हूँ 95 को, एंड यहाँ पे तो 19 एज इट इज़ है। तो यहाँ पे अगर मैं 19 कॉमन निकालूंगा दोनों जगह से, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 19 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे 19 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो 19 4 जा क्या आता है, यहाँ पे 76 आता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये किसका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, यहाँ पे 36 का दिख रहा है, प्लस के साइन में क्या है। अब ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 24 का है, माइनस के साइन में क्या है। अब ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पे 9 का क्यूब रूट है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 17x मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 प्लस यहाँ पे 24 क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है, ठीक है। यहाँ पे 40 प्लस 20 क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है। 60 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 17x मिलेगा। 60 माइनस 9 क्या आता है, यहाँ पे 51 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 17x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 3 प्लस 4 क्या आता है, 3 प्लस 4 यहाँ पे 7 आता है, 7 प्लस 2 क्या आता है, 9 आता है, 9 माइनस 7 क्या आता है, यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे जो चीज़ हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के साइन में 1/3, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 5/8 यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5/8, फिर से प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 8/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है एंड यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। तो यहाँ पे 4 को मैं 8 कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 8 हो जाएगा, एंड नीचे 2 से किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे -2/ यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -2/ यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, डिनोमिनेटर क्यों सेम करने पड़ते, क्योंकि फ्रैक्शन की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते। तो यहाँ पे 1+8 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 9/ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर की क्या होगी, एडिशन होगी, न्यूमरेटर की एडिशन एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर की एडिशन नहीं होती है। अब यहाँ पे 5-2 क्या आ जाएगा, 5-2 यहाँ पे क्या मिलता है, 3 मिलता है, ठीक है। 3/ क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2+, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2+, अब यहाँ पे 9/3 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 3/8 है, तो यहाँ पे 2+3 क्या आता है, 2+3 यहाँ पे 5 आता है, 5+ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 5/8 यहाँ पे 3 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइए गाइस, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। ये क्लास नंबर 28 है, यहाँ पे हमने 500+ क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो इसके पीछे मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाए, शेयर करते जाइए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सियाराम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।